यूपी में मानसून की बारिश के बीच मथुरा से हादसे की खबर सामने आई है, जिससे राजधानी लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया और डीएम को जांच करने के आदेश दिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार की तत्काल आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। चलिए अब आपको बताते हैं ये हादसा क्या था और कब हुआ था। दरअसल रविवार शाम मथुरा की आवास विकास कॉलोनी कृष्णा विहार इलाके में बारिश के दौरान पानी की टंकी भर भरा कर दह गई। टंकी के मलबे से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 10 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मलबे की चपेट में आकर कई घरों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, कृष्णा विहार कॉलोनी में जो अभी शाम को 5 बजे के आसपास बारिश हो रही थी, उस दौरान पानी की टंकी जो 2500 KL की थी वो अचानक गिर गई, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले लगभग 10 लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, बाकी 9 सामान्य है, संतोषजनक है, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा 2 कैजुअल्टी भी हुई है, एक 27 वर्ष की महिला और एक लगभग 80 वर्ष की महिला है, 2 लोगों की कैजुअल्टी भी हुई है। जानकारी के मुताबिक घायलों को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और NDRF को लगाया गया, साथ ही सेना की भी मदद ली गई। वहीं हादसे के बाद BJP विधायक श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना। उन्होंने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है। तुरंत जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि तुरंत FIR हो, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्टर है और जो भी इसमें संलिप्त है, इसकी जाँच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि टंकी का निर्माण 2021 में हुआ था, महज 3 साल में ही टंकी गिर गई, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बहरहाल आपका मथुरा हादसे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।